थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके थ्री पार्ट दे रखे हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जिसमें 0.6 बार दे रखा है उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में आपने दिखाना है। तो पहला क्या दे रखा है आपका, 0.6 बार। अब 0.6 बार आपको पता है 0.6 बार का मतलब क्या है, 0.6666 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है लगातार। तो हम क्या करेंगे, इस 0.6 बार को क्या मान लेते हैं, पहले x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब करिए क्या, हम इसको आप ऐसे कह सकते हो, बेशक x इज इक्वल टू 0.6666 ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 10x, और यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट राइट साइड में चले जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 6.6666 ऐसे हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 बार। उसको आप इक्वेशन नंबर वन कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर टू कह दीजिए, दो इक्वेशन हो गए आपकी। अब टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। अब देखिए इक्वेशन वन में से टू को, टू में से वन इक्वेशन टू में से वन को, तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या बनेगा आपका, ये 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आपका 6.6 बार माइनस 0.6 बार, यही है। तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका 9x, और 6.6 बार में से आप किसको माइनस कीजिए, 0.6 बार को माइनस कीजिए, ये तो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका ये 6.0 हो जाएगा, 6.0 यानी क्या कह सकते हैं 6 कह दीजिए, इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6/9, काटेंगे इसको 3 से क्या बन जाएगा आपका ये 2/3, यानी कि x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2/3। और हमने इसी को बताना था कि जो है आप इसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिखिए, तो हमने 0.6 बार को किसकी फॉर्म में लिख दिया है, p बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया है। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो है वो दे रखा है आपका, नंबर दे रखा है 0.47 बार, ये दे रखा है नंबर आपका। इसको क्या करेंगे, देखिए लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है लिख दिया जी, इक्वेशन नंबर वन कह दीजिए, वन कह देते हैं चलो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, डेसिमल एक डिजिट राइट साइड में खिसक जाएगी, यानी क्या बन जाएगा 4.7 बार हो जाएगा, 4.7 बार ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी टू। मल्टीप्लाई अगेन बाय 10, 10 से दोबारा फिर कीजिए, 10 को 10 से करेंगे क्या हो जाएगा आपका 100x हो जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 47.7 बार, क्योंकि यहाँ क्या समझ जाते, सिर्फ ये लिखा ना 4.7 बार, इसका मतलब क्या है 4.777 ऐसे बहुत सारे आगे, यानी अगर आप 10 से इसको आगे मल्टीप्लाई करके 7 तो इस साइड में आ जाएगा, लेकिन साथ में क्या होगा उधर से 7 बहुत सारे पड़े ना, उधर से एक निकला, एक और निकला आएगा, तो इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 आपकी क्या है लेफ्ट साइड में 100x, और वो आपकी क्या है 10x इज इक्वल टू क्या है 47.7 बार माइनस ये क्या आपकी 2 4.7 बार। तो 100 में से 10 जाएंगे क्या बचेगा आपका 90x इज इक्वल टू 47.7 बार में से किसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 4.7 बार को, ये जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 43,
एन इज इक्वल टू क्या आपका 43, और एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 43/90। ये आपका हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपका देखा 0.01 bar, लेट उन्हीं की तरह लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001 bar, इक्वेशन नंबर वन कह दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। मैं एक एक को करूंगा, हालांकि सीधा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा एक जीरो खिसक जाएगी, यानी क्या बन जाएगा 0.01। देखिए 0.1 एक डेसिमल दे देंगे ना 0.01, और उसके बाद अगर आगे आप और चाहो तो आगे क्या होंगे 001, उसके ऊपर बार है, ये बनेगा, क्योंकि एक 10 से मल्टीप्लाई किया एक डेसिमल दे खिसक जाएगी, यानी 1 से पहले एक रह जाएगी जीरो, और नेक्स्ट आगे तो पड़े हैं ऐसे बहुत सारे। इक्वेशन नंबर टू कह दीजिए, फिर मल्टीप्लाई अगेन बाय 10, मल्टीप्लाई अगेन बाय 10, दोबारा फिर कीजिए आप 10 से, दोबारा फिर 10 से करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये 100x इज इक्वल टू, एक डेसिमल और राइट साइड में खिसकेगी, और क्या बन जाएगा आपका ये 0.1, उसके बाद क्या है 001 क्या हो जाएगा बार। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी 0.001 bar। फिर दोबारा कीजिए मल्टीप्लाई अगेन बाय 10, फिर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 का क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, और ये जो वन आप कब क्या हो जाएगा एक डेसिमल और उधर खिसके राइट साइड में क्या बन जाएगा 1.001 bar। ये आपके होगी इक्वेशन नंबर 4। अब इनको देखिए आप, जो है फर्स्ट को और फोर को, अल्टीमेटली आपने करना क्या है कि डेसिमल के बाद सेम आनी चाहिए दोनों जगह, यहाँ सेम होगी, देखिए इसमें भी 0.001 bar, यहाँ भी क्या 1.001 bar, ताकि जब इनको माइनस करूँ तो यूँ कहूँ कैंसिल हो जाए आपका ये। अब क्या करेंगे, फोर में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन फोर, फोर में से फोर क्या आपकी 1000x, वन क्या आपकी, वन आपकी x है इज इक्वल टू, इधर फोर क्या आपकी 1.001 bar माइनस, और ये आपकी क्या है ये फोर में से इसके 0.001 bar, ऐसे हो जाएगा, 100 में से x जाएगा क्या रहेगा आपका 999x इज इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए 1.001 bar, और माइनस क्या करना 0.001 bar, एक जैसे बनाने के लिए किया हमने इतना मल्टीप्लाई, ये तो क्या हो जाएगा जीरो, उधर क्या बचेगा वन, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/999, ये हो जाएगा इसका आंसर P/Q की फॉर्म में। ठीक है, ये आपका होगा सेकेंड थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।